दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं एक और नाइट कैंपिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लोग वीडियो करिए एंजॉय। दोस्तों, मैं अपनी लोकेशन पर अभी पहुंच चुका हूं। तो मैंने ज़्यादा शॉर्ट तो लिए नहीं है चलने के, आपको दिखाता हूं अपनी लोकेशन। तो दोस्तों, अभी मैं लोकेशन में आ गया हूं अपनी, और रात भी हो चुकी है। तो यह है कुछ इस तरीके की लोकेशन। अभी दिख तो नहीं रहा कैमरे में, तो अभी मैं अपना जो भी सामान है सेटअप वगैरह सब लगा लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस को। तो अभी मैं एक ये चार्जिंग बल्ब लाया हूँ, इसको लगा लेता हूँ। तो अभी मैं लकड़ी घटी हुई है इधर पे, और इसमें लगा देता हूँ। तो ये है मेरी लाइट जो आज रात मेरा साथ देगी। तो दोस्तों, अभी मैं अपनी लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ, और अब जाड़ा बहुत ही हो रहा है, तो आग वगैरह जला लेता हूँ, चूल्हा सेट कर लेता हूँ इधर पे। तो अभी लकड़ियाँ लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत इधर को होंगी तो लकड़ियाँ लाता हूँ। दोस्तों, अभी मैट ला रखा हूँ, तो मैट बिछा देता हूँ। तो दोस्तों, मैट तो मेरी बिछ चुकी है, अब जाड़ा हो रहा है, जल्दी से आग जला लेता हूँ, फिर आगे को देखा जाएगा क्या होता है। अभी लकड़ियाँ हैं ये। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किलों के बाद अभी मैंने आग भी जला लिया, काफ़ी हवा चल रही थी तो बहुत मुश्किल हुई, तो अभी मैंने जला दिया। तो दोस्तों, थोड़ी देर तो मैं आग सेकता हूँ, तो जाड़ा बहुत ही हो रहा है, थोड़ी देर आग सेक लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं जिस लोकेशन पे आ रखा हूँ, वहाँ पर जानवरों का भी बहुत ख़तरा है, तो अभी देखते हैं रात भर क्या होता है, देखते हैं कैसे गुजरती है ये रात भी आज की। तो फिलहाल आग जलाई है, तो हमने कोई आ तो सकता है नहीं, वैसे जंगली जानवर आते नहीं हैं आग की चिंगारी से। तो आपने उस वीडियो में तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे को, तो मैंने कहा अगली भी एक सोलो कैंपिंग ही लाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं विदाउट कैंप के आया हूँ, तो वही सेटअप है मेरा, पिछले दिन का ही सेटअप है। तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया मेरे को उस वीडियो में, पर आपने कमेंट नहीं किए। मैंने आपसे कहा था कमेंट कर देना, तो आप कमेंट भी कर दिया करो। अब इस वीडियो में देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो दोस्तों, अकेले कैंपिंग निकालने में डर ही बहुत लगता है, तो मैंने आपसे कहा था अगली वीडियो ग्रुप कैंपिंग लाऊँगा, तो आज तो नहीं हो पाया वो फ़िलहाल। तो अगली वीडियो ज़रूर मैं ग्रुप के साथ ही लाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ। तो फ़िलहाल के लिए आज मैं अकेले आया हूँ, अब देखता हूँ आज क्या होता है, कैसी रहती है आज की रात भी, अच्छे से गुजर जाए तो बढ़िया है। उस दिन तो सही हुआ था, सही से करी कैंपिंग, तो आज देखते हैं। और ये आग पता नहीं क्या हो रहा है, ये पत्थर सा ही चटक रहे हैं इसके, अभी आँख मारने से बचा तो थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी देर भी काफ़ी हो चुकी है, तो जो पिछली वीडियो डाली थी मैंने, वो 10:30 में मैंने खाना वाना बनाया था उसमें, तो अभी यहाँ पर 11:30 बज चुके हैं। तो अभी जल्दी जल्दी खाना बना लेता हूँ, भूख भी लग रही है, तो चलिए अभी खाना बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सिंपल सी चीज़ बना रहा हूँ, तो आज बना रहा हूँ आलू के गुटके। तो अभी मैं आलू वगैरह लाया हूँ, उसको रख देता हूँ थोड़ी देर, उबाल लेता हूँ उनको। दोस्तों, ये मैं लाया हूँ कुछ आलू, तो अभी आलू उबाल लेता हूँ, और देखते हैं चूल्हा कैसा बना हमारा। तो बढ़िया बना है चूल्हा भी, और अभी इसमें पानी डालता हूँ, आलू उबाल लेता हूँ तब तक मैं। तो अभी इतना पानी
बहुत है, कढ़ाई भी थोड़ा तिरछी हो रखी है तो इसको सही करता हूँ मैं। थोड़ा सा चूल्हा बिगड़ गया शायद, पर सही है, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं हम ढक्कन, तो जल्दी जल्दी उबलेगा ये, और भूख भी अभी बहुत लग रही है तो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर। तो दोस्तों अभी मेरे आलू उबल चुके हैं और इनकी कटिंग कुटिंग जो भी है करता हूँ अभी मैं, और इनको निकाल लेता हूँ। चार बहुत हुए मेरे लिए, तो इसका पानी है वो भी काम आएगा हाथ हाथ धोने में, तो इसको साइड ही कर लेता हूँ अभी, अभी फिर गिरा दूंगा इसको। तो अभी तो अभी मैं छिल्लर और चाकू दोनों लाया हूँ, और क्या है और तो सब मसाला मिल गया, तो अब इनकी कटिंग कटिंग कर लेता हूँ। तो अभी आग के बगैर तो रहा जा नहीं रहा है, इसी के पास ही रहता हूँ। छिल्लर से, ओह नो, कैसे लगाते हैं मेरे को आता भी नहीं है, तो ऐसे धीरे धीरे सब हो जाता है, करने की देरी है बस। तो दोस्तों अभी मेरे आलू तो छिल चुके हैं और अब मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। तो अब इनको लंबे लंबे टुकड़े बना लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा आलू आलू सब कटिंग हो गया है, और तो दोस्तों भी मुझे पता नहीं किसी छड़ छड़ हुई क्या है, चल दोस्तों अभी किसी खड़खड़ हो रही है शायद पीछे, पता नहीं क्या है, पत्थर की धूप क्या इसकी, चल पता नहीं क्या है दोस्तों, छड़ते छड़ते हो रही है, छोड़ो जो भी है पता नहीं क्या है, छोड़ो ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप रहता है, जो हो देख ही रहेगी, ऊपर वाला साथ है। तो दोस्तों अभी पीछे को पता नहीं क्या है, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो जानवर कुछ भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, क्या पता कुछ और जानवर भी हो, तो अभी पता नहीं क्या है, तो अभी लगे रहते हैं अपने में, तो अभी डर लगता है अकेले आने में, तभी सोलो कैंपिंग में। तो दोस्तों अभी खाना जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, और आग भी बहुत लगानी पड़ेगी अभी, थोड़ा चूल्हा वूल्हा हटा दूंगा तो पता नहीं पीछे क्या है झाड़ी में, तो आग कुछ ज़्यादा कर दूंगा तो थोड़ा डर नहीं लगेगी फिर, क्या पता भाग जाए कोई जंगली जानवर हो, तो जल्दी से खाना बना लेता हूँ मैं। तो चलिए चूल्हा वगैरह तो सेट है अपना, तो पानी गिरा दो अब। तो दोस्तों अभी डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा करके, अभी देखते हैं क्या होता है रात में। तेल डाल दिया इसमें, तेल के होने तक थोड़ा कुछ जीरा वगैरह लाया था मैं, कुछ मसाला लाया था, हाँ इस समय मसाले लाया हूँ, तो घर से इसमें मसाले वगैरह कागज़ में पैक करके लाया हूँ। तो अभी धनिया भी लाया था मैं इसमें, इसमें डाला धनिया, डालूँगा ऊपर से, इसी में डाल देता हूँ। और तो मसाले थे मेरी पुड़ियाँ बना के लाया हूँ मैं, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा भाई जीरा किस में है, इसमें तो नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं है जीरा, जीरा जीरा। दोस्तों अभी मैं जीरा भी लाया हूँ, तो जीरा डाल लेता हूँ, तेल हो चुका है हमारा, जीरा हो गया। तो दोस्तों अभी एक गलती हो चुकी है, मैं चम्मच लाना भूल गया, तो अभी चाकू से ही करना पड़ रहा है, तो चम्मच तो आज गई, आलू क्या ही करूँगा। तो अभी डाल लेता हूँ ऐसे ही, आज भी ऐसा ही खाना पड़ता है शायद, तो अभी आलू डाल लेता हूँ। चल भाई चल चल, तो अभी आलू है हमारे, तो इसमें क्या लाया हूँ मैं, इसमें ला रखा हूँ मैं हल्दी, तो ये हमारी हल्दी।
जल्दी सब हिसाब का ही ला रखा हूँ मैं, जितना इसमें पड़ना होगा उतना ही लाया हूँ। तो नमक है थोड़ा, नमक कुछ ज़्यादा ही ला गया मैं। तो ये हमारा आ गया नमक, और क्या है। तो दोस्तों अभी मेरे पास साधन तो कुछ है नहीं ये लाने के लिए मसाला दाल, तो मैंने कहा कागज़ में ही पैक करके ले आता हूँ। इसमें क्या है, इसमें मसाला थोड़ा सब्जी मसाला इतना ही ला दो इसमें। इसमें होगा हमारा मिर्च, मिर्च है इसमें, मिर्च होगी। और इसको अब इससे हिलाता हूँ, चम्मच तो मैं लाया नहीं भूल गया। तो दोस्तों अभी जैसे बने होंगे आलू, तो भाई ऐसा ही खाना है रात में, कहाँ मिलता है घर के ऐसा खाना यहाँ। तो ये हो गया बस, इसमें मैं डालता हूँ धनिया। धनिया के साथ तो मज़ा ही आ जाता है भाई आलू के गुटके हो तो। तो दोस्तों धनिया के साथ तो मज़ा आ जाता है आलू के गुटके खाने में, पर इसके साथ चाय होती तो और ही मज़ा आ जाता। तो आज मैंने चाय भी बनानी थी का, पर बना ही नहीं आज। तो फाइनली दोस्तों बन गए हमारे आलू। पता नहीं कैसे बने हैं, अब देखते हैं एक बार। चम्मच तो थी नहीं आज, तो ऐसे ही बनाए हैं मैंने, अब कैसे होते हैं। अब निकाल लेता हूँ इसमें मैं प्लेट में, तो कैसे निकालूँ फिर, अभी चम्मच तो है नहीं। तो वो भी हो रहा है, तो गर्म हो रहा है, अभी इससे करके ऐसे ही करके निकाल लेता हूँ। साधन तो कुछ है नहीं मेरे पास, अब जब आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो पूरा एकदम टेंट वगैरह के साथ मिलूंगा मैं आप। मैं आलू के गुटके खाने के लिए टूथपिक्स लाया हूँ, तो इनसे खाने में कुछ और ही रौनक है। तो दोस्तों ये हमारी टूथपिक्स हो गई है, और ये हमारे आलू के गुटके। तो अभी इसके साथ चाय तो मज़ा आ जाता, तो पर अब सादे सादे ही खाते हैं। सबसे बड़ा वाला उठाता हूँ पहले, थोड़ा सा जल गए पर ये। तो दोस्तों आज का रात का खाना मेरा यही है, तो उससे भूख मिल जाएगी, बहुत है मेरे लिए। और तो दोस्तों अभी खाना बनाना हो चुका है, आलू में मज़ा आ गया और पेट भर चुका है पूरा। तो दोस्तों अभी मेरा खाना तो हो गया, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई है क्योंकि मिर्च ज़्यादा लाया था मैं। तो दोस्तों इन सबको बैग के अंदर डाल लेता हूँ, डाल लेता हूँ, हो गया, जलाई देता हूँ आग में। तो दोस्तों अभी खाना पीना तो मेरा हो चुका है, अब देखना है आज की रात कैसे काटनी है। तो उस दिन तो जैसे तैसे कट गई रात, तो आज पता नहीं क्या होता है। तो अभी इनको हटा लेता हूँ चूल्हे को, और आग एकदम बढ़िया से अब सेकूंगा इनको, साइड करता हूँ पूरा, इसको भी हटाओ। और ये है मेरे पास लकड़ियाँ, कुछ लकड़ियाँ मैंने उस साइड भी रखी हैं, तो ये बहुत लकड़ियाँ हैं मेरे पास रात के लिए। पहले इनको जला लेता हूँ, तो दोस्तों आज भी वैसा ही है। तो मेरे पास टेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, मैंने आपको बता रखा है, तो देखते हैं आपका रिस्पांस कैसे आता है इस वीडियो में। आपने उस वीडियो में तो अपना प्यार बहुत सपोर्ट दिया, तो इस वीडियो में भी आप वैसा ही देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों अभी मन में थोड़ी घबराहट सी है, तो बीच में झाड़ियाँ जो छड़ छड़ करती, पता नहीं क्या था वो, अब पता नहीं रात में क्या होता है। तो अभी रात भर मन में घबराहट सी रहेगी, अब एक बार हो गया तो देखते हैं क्या होता है अब। तो दोस्तों अभी नींद तो मेरे को आने से रही, तो अभी ऐसे ही लेट जाता हूँ थोड़ा आपके साथ। तो टेंट वगैरह होता है तो थोड़ा सही रहता है,
अभी टेंट वगैरह कुछ है नहीं, जाड़ा वैसे हो रहा है, पीछे साइड को पूरा जाड़ा ही हो रहा है। तो दोस्तों अभी क्या करूँ क्या करूँ हो रही है, तो थोड़ी देर में फ़ोन ही चला लेता हूँ, तो आपको मैं सुबह मिलूँगा, आपको दिखाऊँगा फिर मैं अपनी लोकेशन किस जगह में था। दोस्तों आपको अब मैं सुबह मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और जाड़ा काफ़ी हो रहा है अभी। तो दोस्तों रात में जो छड़छड़ाहट हो रही थी वो इन झाड़ियों में हो रही थी, देख सकते हो। देखो दोस्तों पूरा एकदम घनी झाड़ियाँ हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर झाड़ियों में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मैं आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रही मेरी लोकेशन, ये देखो पीछे कितनी भयंकर झाड़ियाँ हैं, ये देखो पूरा एकदम घना जंगल टाइप का है। और रात में घबराहट के उसे नींद भी नहीं आई, तो अभी घर जाऊंगा दोबारा सोता हूँ। जल्दी से सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ, और जाड़ा बहुत ही हो रहा है, तो जल्दी जल्दी घर को जाता हूँ। और ये है मेरी लाइट जिसने मेरा बहुत साथ दिया, ये भी आधी रात में बंद हो जाती है, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए चलती है, हो गया तो बहुत है जितना है, फिर आपके साथ ही रहा रात भर। तो अभी जल्दी जल्दी घर पे आता हूँ, जाड़ा बहुत ही हो रहा है। तो कैसी लगी आज की मेरी कैंपिंग वीडियो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो लाऊंगा मैं एकदम ग्रुप कैंपिंग, तो मिलेंगे अपने ग्रुप के साथ।